अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी जायका। आज मैं बनाने लगी हूँ छिक्कड़ छोले। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक पाव हमने चने लिए, उसको मैंने तकरीबन 6 घंटे पहले भिगो दिया था। ये 1/2 टीस्पून मीठा सोडा लगा के हमें 1 लार्ज साइज का प्याज चाहिए, हमने बारीक बारीक काट लिया। 3 से 4 अदरक सब्ज मिर्चें बारीक बारीक काट ली। सब्ज धनिया उसको भी हमने काट लिया। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 1 टेबल स्पून तकरीबन नमक, या हद पे जरूरत भी ले सकते हैं। 1 बड़े साइज का टमाटर लिया जो हमने बारीक बारीक काट लिया। 1.5 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट यूज करेंगे। 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। अब हमने फ्लेम ऑन किया, जिस पानी में हमने चने भिगोए थे उसी पानी में ही हमें इनको पकाना है। हम इसको फ्राई करेंगे। उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखे, ये जो इसके ऊपर झाग आई है इसको हम उतार देंगे। एक से दो दफा हम इसके झाग को ऐसे ही उतारेंगे जब जब इसके ऊपर आएगी। अब आखिरी दफा हम फिर इसके ऊपर से ये झाग उतार देंगे। जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप के जितना हम इस पर ऑयल डालेंगे। उसमें ये हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसको थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। चने जो है हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पे रख दिए हैं। उसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। तब तक साथ साथ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसको ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए प्याज अदरक का रंग बदल लिया है। अब हम इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा भून लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भून हो गया, फिर इस पर टमाटर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे, भून लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। ये हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें सारे ये मसाले डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें सब्ज मिर्चें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम इस पे चने डाल देंगे जो हमने बॉईल किए हैं। उसका पानी वेस्ट नहीं करना। इसको 2 मिनट भूनने के बाद हमें वही पानी इसमें ऐड करना है। अब 2 मिनट हम इसको बस भूनेंगे और फिर जो जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे सोडे वाला पानी, वही हम दोबारा इसमें डालेंगे। दूसरा पानी नहीं हमने डालना है। अब हम इससे वो पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें साथ ही सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब इसको हम दम पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इसके ऊपर ऑयल कैसे आ गया हुआ है। हमारे छिक्कड़ छोले तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अल्लाह हाफिज़।